अब आपने भी देखो कहीं पर भी कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है, आप लोगों ने सिंपली एक वॉइस रिकॉर्डिंग करी, अब देखो यहाँ पर आप लोग उसको कहीं पर यूज़ करने जाएंगे ना, तो उसका जो फॉर्मेट रहता है ना वो यहाँ पर काम में नहीं आता। तो अब आप लोग चाहते हैं कि आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप लोग यहाँ पर देखो .mp3 में कन्वर्ट करें, तो आप लोग कैसे करेंगे यहाँ पर? अब आप चाहते हैं कि अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप लोग MP3 में कन्वर्ट करें, तो कैसे आप लोग यहाँ पर अपनी ऑडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा आसानी से, तो मैं आपको काफ़ी आसान प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस को आप लोग आसानी से अपने स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने PC लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ देखिए स्मार्टफोन से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ देखो काफ़ी सारे यहाँ पर यूज़र्स के पास स्मार्टफोन है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग स्मार्टफोन से सीखें। मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोगों ने, यदि देखिए आपके स्मार्टफोन के यहाँ पर डिफॉल्ट रिकॉर्डर्स हैं, यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग करिए, फिर आप लोगों ने PC से एक रिकॉर्डिंग करिए। अब आप लोग चाहते हैं कि वो देखो .wav फॉर्मेट में आती है, आई थिंक मेरे हिसाब से, या फिर और भी कोई फॉर्मेट में हो, मुझे यहाँ पर इतना पता फिलहाल में नहीं है, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, बट जहाँ तक पता है मेरे पास यहाँ पर .wav फॉर्मेट में ही आया जब मैंने स्मार्टफोन से यहाँ पर रिकॉर्ड किया तो डिफॉल्ट रिकॉर्डर से। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे आप लोग उसको यहाँ पर MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर सीखते हैं हमारे स्मार्टफोन में चल के। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग में, यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, देखिए .wav फॉर्मेट में। अब इसको हम लोग MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेव फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पर आपका जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग गूगल पर टाइप करना है वॉइस रिकॉर्डिंग टू MP3 कन्वर्टर, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा, इसके ऊपर आप लोग दिख लीजिए। इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे ऊपर एक यहाँ पर देखिए आता है online-audio-converter.com, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को सिंपली करना है इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जाकर भी इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी सरल है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर जो ओपन फाइल्स लिखा हुआ है ना, आप लोग क्या करना है इस ओपन फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी फाइल जहाँ पर भी अवेलेबल है सबसे पहले आपको आपकी फाइल सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमारी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, और ये फाइल मैनेजर में यहाँ पर मेरे पास फोल्डर है रिकॉर्डर्स का, ये रहा, और ये रहा मेरा फाइल। अभी देखिए फिलहाल में अपलोड हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फाइल देखिए अपलोड हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देखो सबसे ऊपर यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ MP3 है, वेव है, आईफोन रिंगटोन M4 है, आप लोग देख सकते हैं OGG मोर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर नीचे क्वालिटी है, आप लोग देखिए गुड कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, हमने मैंने बेस्ट कर दिया इसको, ठीक है डन, और यहाँ पर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कन्वर्ट का, आप ये देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब आप लोग जैसे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको एक बार यहाँ पर दिखा दूंगा इसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में हुआ है। तो डाउनलोड्स में आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसको फाइल मैनेजर में देख लेते थोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं .mp3 के फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका एक और तरीका मैंने यहाँ पर रिसेंटली देखा है, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, प्ले स्टोर से यहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड किया, आप लोग देख सकते हैं वॉइस रिकॉर्डर है। आप लोग क्या करिए सिंपली ये वॉइस रिकॉर्डर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग आइए और यहाँ पर आप लोग सर्च करिए वॉइस रिकॉर्डर, आप लोग देखेंगे ये वाला सबसे पहला जो वॉइस रिकॉर्डर आ रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी ऐप्स, यहाँ पर देखिए वॉइस रिकॉर्डर, आपको इसको देख लेना है, इसका इंटरफेस आप लोग ध्यान से पहचान लीजिए, ये ऐसा वॉइस रिकॉर्डर है, आप लोग इसकी इमेजेस देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर स्मार्ट इस वॉइस रिकॉर्डर में आप लोग क्या करना है, आप लोग की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स है ना उसको ही आपको MP3 में रख लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली वॉइस रिकॉर्डर ओपन करना है, यहाँ राइट साइड में सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं सेटिंग का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करिए और तीसरे नंबर पर देख सकते हैं रिकॉर्ड फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए दो फॉर्मेट आ रहा है, वेव और MP3, तो आप लोग यहाँ पर .mp3 के ऊपर सेलेक्ट करिए। इसके बाद देखो आप लोग जो भी फाइल यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे ना, अब वो MP3 के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो भी आपका ऑडियो है, जो भी आपका वॉइस रिकॉर्डिंग है, आप लोग उसको यहाँ पर MP3 फॉर्मेट में बदल सकते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो। मैंने आप लोग दो प्रोसेस दिखा दिए, एक प्रोसेस में आप लोग डिफॉल्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग में ही MP3 में रख सकते हैं, दूसरे में आप लोग कोई भी फॉर्मेट हो आप लोग उसको MP3 या फिर किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग स्मार्टफोन PC की मदद से कर सकते हैं। होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिलेगी और अब आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को, इसके साथ साथ जो भी आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको आप लोग किसी भी फॉर्मेट में या फिर आपकी रिकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट में आप लोग उसको MP3 में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं।